हेलो गाइस, तो आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, मैंने कैंपिंग पोल बनाई है। इसमें आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ कि कैसे 6.5 फीट की बन जाती है और आप लोग भी घर पे बनवा सकते हो। और ये बहुत स्टर्डी है, ये ऑलमोस्ट 420 स्टील एसएस के अंदर बनी हुई है। तो इसमें देखो मैंने क्या कर रखा है, बहुत ही सिंपल है। ये 3.5 फीट की एक पोल है। इसमें देखो यहाँ पर लगा रखा है मैंने एक बोल्ट इधर लगा रखा है, तो दोनों साइड में बोल्ट लगा रखे हैं। एक छोटा सा मेरे पास में 4 इंची का टुकड़ा है और इस वाली साइड में देखो पूरा एकदम ये पोल सीधा है, कुछ भी नहीं है। तो ये मैं क्या करता हूँ, इस टुकड़े को इसके अंदर डाल देता हूँ, ये टुकड़ा कहीं गिरेगा नहीं क्योंकि यहाँ पर सपोर्ट लगा हुआ, हल्का सा वेल्ड किया हुआ सपोर्ट है उसका। अब दूसरा मैं टुकड़ा उठाता हूँ, ये इस टुकड़े में देखो नीचे कुछ भी नहीं है, इस वाली साइड में एक ये बोल्ट लगा हुआ है। तो अब ये देखो क्या होगा, एक पार्ट जो है और बोल्ट के साथ में और भी चीज़ मैंने कर रखी है। यहाँ पे देखो ये यहाँ पे वेल्ड कर रखा ताकि जो ये टुकड़ा है वो टुकड़ा नीचे नहीं जाएगा। तो देखो कैसे फिट होता है ये इसके अंदर, यहाँ पे टाइट हो जाएगा। सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। ये देखो कितना बड़ा बन गया। अब ये जो 4 इंची वाला जो टुकड़ा है वो क्या होगा, देखो इस तरीके से फिट होगा। ये है पोल, इसको मैं दबाऊंगा, यहाँ पे हो गया फिट। तो इससे क्या है, इसको सपोर्ट मिल गया, ये ऊपर भी सपोर्ट मिलेगा और नीचे ये जाने नहीं देगा क्योंकि यहाँ पे वेल्ड किया हुआ। तो ये देखो और ये बहुत ही ज़्यादा स्टडी है गाइस, ट्रस्ट मी। इसके ऊपर आप अपना त्रिपाल लगाओ और टाप लगाओ, जो भी लगाना चाहे लगाओ और अच्छे से यूज़ करो। और ये बहुत स्टडी है क्योंकि मैं इनको प्रैक्टिकली यूज़ कर रहा हूँ और अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि ये बहुत ही अच्छा पोल है। 3.5 इंची एक पोल की साइज है तो 6.5 फिट का एक पोल बनता है। और इसकी जो कॉस्ट है करीबन 250 रुपये एक पोल की मुझे पड़ी है। तो आप देख सकते हो मेरे पास में 5 पोल है ऐसी। सो दैट्स फॉर दिस वीडियो, थैंक यू।